दिन शुरू हुआ था एक शॉकिंग खबर से और एंड होगा एक स्माइलिंग खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान को कोरोना वायरस हुआ ऐसी खबरें आ रही थी सुबह से, लेकिन उस खबर पर क्या सच्चाई है क्या नहीं है और ओवरऑल माजरा क्या है सब आपको क्लियर करता हूँ। तो बात है पिछले हफ्ते की, जब सलमान खान के निजी ड्राइवर यानी कि प्राइवेट उनका पर्सनल ड्राइवर अशोक नाम का, उसे एक कोरोना वायरस का एक लक्षण पाया गया। इसके अलावा सलमान खान के घर के दो स्टाफ मेंबर को भी इस तरह के लक्षण पाए गए, तो उन्हें एडमिट कराया गया। उसके बाद सलमान खान उनकी फैमिली इन लोग को भी सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया और इन सब पर टेस्ट किया गया, जांच की गई कि क्या उन्हें कोरोना के लक्षण है या नहीं। तो सूत्रों के अनुसार खबर, लेकिन हाँ खबर हर जगह आ गई है सो ये फेक खबर नहीं है, ये खबर है कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है सलमान खान की भी, उनके फैमिली की यानी कि सलमान खान सलीम खान की। अब यहाँ पे बड़ी चीज आपको ये है कि कल वीकेंड का वार एपिसोड शूट होना है यानी शुक्रवार को, ताकि वो शनिवार और संडे को आए, और उसके लिए सलमान खान पूरी तरह से रेडी है, यानी कि बिग बॉस के शो को भी किसी तरह का खलल या किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। और वो सब तो बात की बात है, खुशी की खबर ये है कि सलमान और उनकी फैमिली महफूज है। तो फैंस टेंशन मत लीजिए, भाईजान तंदुरुस्त है, हेल्दी है और जाको लाके साइयां मार सके ना कोई। जब लोग इतनी दुआएं करते हैं तो ऐसे इंसान को भला कोई मुसीबत उसके आसपास भी कैसे भटक सकती है। शुभ फल के इतना ही, लव यू ऑल, बाय।